आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, तो आज उससे थोड़ा और आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको देखते हैं कि ऐसे कैसे काम करता है। तो देखो, पहले स्टेटमेंट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोई कह रहा है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और वो पॉइंट पी है, एक्स वाई, उसका कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई दिया है, which divides the line segment joining A and B internally in the ratio m ratio n। अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी पॉइंट P का जो कि लाइन ज्वाइन जो कर रहा है AB को, AB दो पॉइंट से इनके बीच के जो लाइन है इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, यानी वो पॉइंट इन्हीं पे है, क्लियर। तो कह रहा है कि लेट सपोज वो पॉइंट P जो है इस AB को m ratio n में डिवाइड कर रहा है, तो आप से पूछ रहा है कि वो x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपसे सिर्फ a और b का कोऑर्डिनेट दिया, आपको ये बताया कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, और अब आपसे पूछा है कि बताइए वो p और p का जो x y कंपोनेंट है वो क्या होगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, एक्स डैश वाई वाई डैश। लेट्स सपोज हमारा ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये कोई बी है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक, इतना कुछ दिया है। अब कहा है कि एक पॉइंट पी है, इसी पे पी है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा आपको एक्स कॉमा वाई, आपसे बोला है कि हाँ मैंने इसका और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, इसकी वैल्यू आप एक्स और वाई की निकालिए। तो देखो आपसे जो क्वेश्चन में दिया पड़ा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे दिया क्या हुआ, सर एपी और पीबी को एम रेशियो एन में डिवाइड किया है, तो हम कह सकते हैं कि एपी बाई पीबी इक्वल्स टू एम बाई एन, इसी रेशियो में डिवाइड किया है। चलो ठीक, अब देखो थोड़ी सी चीज हम इसमें कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। हमने किया क्या कि इंटरसेप्ट बनाया, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये वाई वन होगा, सिमिलरली एक्स पे कौन सा होगा, एक्स वन होगा। इसी तरीके से यहां से अगर एक्स पे आते हैं तो ये पॉइंट कौन सा कहा जाएगा, एक्स, यहां से आते हैं तो ये क्या होगा हमारा x2। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा तो ये कंपोनेंट हमारा क्या होगा, x2 कॉमा y1। सिमिलरली अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, सिमिलरली x2 कॉमा y। अब बोलोगे सर आपने y और x1 कैसे लिख दिया, तो देख लो इसके लिए y इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, तो यहां पे सर इसकी वैल्यू y है तो जाहिर सी बात है इस पूरे स्ट्रेट लाइन में y ही होगा, यहां पे y1 है तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन में जो x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है वहां पे y1 ही होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो हमारे पास, हमने इसको नाम दिया, लेट सपोज इस पॉइंट को देते हैं k और इस पॉइंट को हमने नाम दिया l। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, वो समझो। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल दिया पड़ा है, लेट सपोज एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, ठीक, हम लोग, आपने अगर ट्रायंगल पढ़ रखा होगा तो आपको पता है वहां पे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में या जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो इसको डिटेल करेंगे। अगर मैं बोलूं ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल लेट सपोज आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री, ए बी सी पी क्यू आर, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि अगर तीनों साइड इक्वल होते थे तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाता था, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगता था तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता था। लेकिन हम लोग जब ट्रायंगल में 10th में बात करेंगे तो अगर कोई दो एंगल हमारा बराबर हो गया तो सिमिलैरिटी का काम करेंगे, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के कारण क्या हुआ,
तो आप कह सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल आएगा। याद रखना, हम लोग आगे इस चीज को सीखेंगे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा यूज है तो हमने बता दिया। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब एटलीस्ट दो एंगल उसके इक्वल हो जाए, और दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर। और सिमिलर कहने का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल है उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। आई होप इतनी सी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं, तो देखो अगर हम काम करते हैं ए के पी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए के पी एंड ट्रायंगल पी एल बी, पी एल बी हमने ड्रॉ ट्रायंगल लिया ए के पी पी एल बी। अब आप देखिए तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90 है, सर बिल्कुल होगा क्योंकि ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन आपने x एक्सिस के पैरेलल बनाया, और हमें पता है जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ये 90 और यहाँ पे भी 90, यानी एक एंगल तो मेरा बराबर आ गया, एंगल 1, एंगल 1 इक्वल हो गया। अब बोल सकते हैं सर आप अगर देखोगे तो ये लाइन जो आपका आया है इस तरीके से, ठीक, और ये जो लाइन आया है आपका इस तरीके से, ये दोनों पैरेलल है, अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया है तो ये जाहिर सी बात है पैरेलल है। अब देखो तो तुम कह सकते हो कि सर अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, कौन से प्रॉपर्टी से, तो सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। अब देख लो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, अगर दो एंगल बराबर तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। और अभी मैंने बताया इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर व्हाट, इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सर आपका जो ट्रायंगल ए के पी है वो सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एल बी। अब देखो सिमिलर होने के कारण हमारे पास क्या मिला, सर हमें मिल गया ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए के बाई पी एल, ए के बाई पी एल इज इक्वल्स टू PK by BL, PK by BL is equals to what? AP by PB. देखो तुम ये सारी चीजें एक दूसरे के बराबर है, और AP by PB किसके बराबर है, MYN, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना MYN। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो ये यहां से यहां तक है X1, यहां से यहां तक है X, और यहां से यहां तक है X2। तो अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं, ये डिस्टेंस, तो ये कितना होने वाला है, तो सर यहां से x1 ये पूरा x, तो ये जो डिस्टेंस आपका आएगा ना ये x माइनस x1 होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस कितना है तो क्या बोलोगे, सर ये डिस्टेंस हमारा x2 माइनस x होगा। क्लियर, अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस कितना है तो तुम बोलोगे सर ये पूरा वाई, यहां से यहां तक वाई वन, तो ये जो होगा ये होगा वाई माइनस वाई वन। सिमिलरली मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस कितना है तो बोलोगे सर ये पूरा वाई टू है आपका, और यहां तक वाई है, तो ये जो बचा है यह है वाई टू माइनस वाई। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देख लो अगर हम वैल्यू पुट करने पे आते हैं, जस्ट पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम देयर व्हाट वी हैड सीन इन दिस ग्राफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए के, सर ए के, ए के की वैल्यू आपने लाई है एक्स माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, वाई में पीएल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएल, पी एल, पी एल की वैल्यू कितनी है एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स। मैं वन बाई वन करके सॉल्व कर रहा हूं, देखो अगर मैं बोलता हूं a बराबर b बराबर c तो हम कह सकते हैं ना a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू c, ऐसा कर सकते हैं ना, अगर ए बी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो सर ए जो है वो सी के बराबर होगा। तो हमने भी यहां पे वही कॉन्सेप्ट लगाया, ए के पी एल जो पी के पी बी एल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं सर और ये एम बाई एन के बराबर है, तो ए के बाई पी एल किसके बराबर होगा, एम एन, एम बाई एन के बराबर होगा, सेम कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू एम बाई एन। अब देखिए
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस एक्स। अब करेंगे क्या, बस सिंप्लीफाई करना है तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। अब एक काम करते हैं, जो x1 x2 है उसको एक साइड ले गए और जो x वाला पोर्शन है उसको एक साइड रखते हैं। तो देखो x वाले को उधर भेज दो तो nx प्लस mx इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, साइन रिवर्स हो गया इक्वल्स टू के दूसरे साइड। अब देखिए यहां दोनों जगह आपको x दिख रहा है, x कॉमन ले लो, यहां पे कुछ नहीं दिखा, अगर यहां आपने x कॉमन निकाला तो क्या बचा, m प्लस n, और यहां क्या बचेगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, क्योंकि इधर से तो कुछ हमने कॉमन निकाला ही नहीं। अब देखिए x इंटू एम प्लस एन, एम प्लस एन दूसरे साइड जाएगा तो क्या ये डिवाइड में होगा, तो बिल्कुल होगा, तो हम बस वही काम करते हैं। तो हमारे पास आता है x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, देख लो शायद सेम है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। हमने क्या किया, बस रेशियो लगाया, हमने कॉन्सेप्ट लगाया सिमिलरिटी का कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सिमिलर। फिर हमने AK, PL इन सब की वैल्यू निकाली जो चीज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, उसके बाद बस वैल्यू पुट किया, उसको सॉल्व किया और हमने x की वैल्यू निकाली। सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहोगे तो देखो पीके बाई बी एल, पीके बाई बी एल वेर इज पीके, पीके वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन बाई बी एल, बी एल कितना वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू एम वाई एन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एन वाई माइनस एन वाई वन इज इक्वल्स टू एम वाई टू माइनस एम वाई, y वाले को एक साइड कर दिया तो एन वाई प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। इन दोनों में y है, y कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा m प्लस एन और इधर बचेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई में m प्लस एन। अब देखो यहां पे लोग जनरली गलती क्या करते हैं, करने का तो फॉर्मूला है, m के साथ वो x1 को कर देते हैं, नहीं देख लो m के साथ जो इससे दूर वाला है वो है। अगर आप ऐसा नहीं कि सर आपने इसको m माना, इसको n माना, तो इसको m मान लिया, इसको n माना, तो m अगर ये मानता तो इससे जो दूर वाला, इसके जो नजदीक वाला है एडजेसेंट है उसको नहीं लेंगे, इससे जो दूर वाला है वो हमारा x2 का काम करेगा, क्लियर। अब देखिए इतना सीखने के बाद आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि चीजें हमें समझ में आए, ठीक ठीक हम एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4 माइनस 3, लेट सपोज हमारा पॉइंट ए है दैट इज 4 कॉमा माइनस 3 और पॉइंट बी है वो है 8 कॉमा 5 और इसको जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है 3:1। तो देख लो इस तरीके से कुछ है a b, ये पॉइंट लेट सपोज p है, x y कोऑर्डिनेट है इसका, इसका कोऑर्डिनेट है 4, -3, इसका कोऑर्डिनेट है 8, 5। आपसे बोला है कि ये 3:1 में डिवाइड किया है, आपसे पूछा है x और y की वैल्यू क्या है, यानी p का कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक इतना ही कुछ है। अब देखो हमें पता है सर अगर आप इसको x1 y1 मानते हो, इसको x2 y2 मानते हो, तो आप करिएगा क्या, ये आपका m है, ये अगर n है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, m का काम यहां से चलेगा और n का काम यहां से, बस इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर x इज इक्वल्स टू सर m x2 प्लस n x1 by m प्लस n, m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 बाय m प्लस n 3 प्लस 8 4,
अब देखो 8 × 3 24, 24 और प्लस 4, 24 4 28, 28 बटे में 4 कट के कितना 7। अगर यही मैं बोलूं कि ठीक है आपने x की निकाली, y की वैल्यू अगर निकालो तो y भी वही है, my2 plus ny1 y में m plus n, m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -3, y में 3 + 1। अब देख 5 × 3 = 15, ये -3 बटे में 4, यानी 12 बटे में 4 ये कितना हो रहा है 3। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज व्हाट, देयरफॉर आपके पास p का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, सर x के जगह पे 7 होगा और y के जगह पे 3 होगा। सो दिस इज योर आंसर, द पॉइंट और द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p इज व्हाट 7, 3। अब देखो यहीं से क्वेश्चन आपको रेशियो ने देखे कुछ और भी दे सकता है, कैसे देख वो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपने यहां ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला हूं, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू प्लस एक्स वन वाई में टू। सिमिलरली वाई का निकालना है तो वाई टू प्लस वाई वन बाई टू। अब बोलोगे सर अभी आपने बताया था एम एक्स वन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन वाई में एम प्लस एन, अभी आप बोल रहे हो मिड पॉइंट के क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट y2 प्लस y1 बाई 2 कर रहे हो या x2 प्लस x1 बाई 2 कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो समझो अगर मैं बोलता हूं a और b के बीच में कोई पॉइंट है p, लेट सपोज इसका हमारा वैल्यू है x1 y1, इसका वैल्यू है x2 y2, ये पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, आपसे बोला है कि p जो है मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब जो रेशियो होने वाला है वो क्या होने वाला है, दोनों पार्ट का 1:1 होगा, बिल्कुल होगा, यानी m की भी वैल्यू कितनी हो गई 1, n की भी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हम देखो x एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन करते हैं फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, एम के जगह पे कितना पुट करेंगे 1, तो 1 इंटू एक्स टू एक्स टू, 1 इंटू एक्स वन एक्स वन बाई में एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, तो 1 + 1 = 2, सेम आ गया। यानी अगर आपसे मिड पॉइंट के बारे में पूछा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सर एक्स टू प्लस एक्स वन बाई 1 2, एक्स टू प्लस एक्स वन बाई 2। अगर आपको फॉर्मूला या मान लो मिड पॉइंट का नहीं याद रहता फिर आपको एक तरीका पता है सर एम एक्स टू प्लस एन एम एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, और मिड पॉइंट में आपको पता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो रेशियो दिया हुआ है 1:1। यहां देख लो क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ, आपसे मिड पॉइंट कहा, आपको वहीं से समझना है कि ये 1:1 में डिवाइड किया। अब देखते हैं इसको बनाने पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस सेवन वाई में टू, यहां से आया 2/2 दैट इज व्हाट 1। सिमिलरली वाई पे अगर आते हैं वाई टू की वैल्यू है -8, वाई वन की वैल्यू है 4 बटे में 2, यहां -4 बटे में 2 कितना बन गया -2। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। अब आते हैं एक और ऐसे क्वेश्चंस पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए बी एक पॉइंट दे रखा है, दो पॉइंट दिए हैं, सच दैट ए पी बाई ए बी, देख लो लेट सपोज ए बी हमारा लाइन है, ये पॉइंट कोई पी है, कह रहा है ए पी बाई ए बी 1:3। अब देख लो आपसे जब m और n का कॉन्सेप्ट देता था तो आपसे बोलता था ए पी रेशियो पी बी, दिस पोर्शन बाय दिस पोर्शन, यहां पे दिया क्या है दिस बाय होल, तो आप करोगे क्या ये पोर्शन निकालने की कोशिश करोगे, तो यहां से यहां तक 1 पार्ट है, ये पूरा 3 पार्ट है, तो ये कितना बचा सर 2 पार्ट बचा। आई होप ये चीज क्लियर है। अब कह रहा है कि अब आपको यहां से पता है m और n की वैल्यू, गलती से भी 1 अगर ap by ab is equals to 1/3 है तो ऐसा मत कर देना सर m ratio n यानी m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3, नहीं आप लाइन पे चेक करो m की वैल्यू 1 आई n की वैल्यू 2 आई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए दे सकता है।
अब देखिए आपसे कह रहा है ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, यानी एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा इस वाले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो इस पर लाई करेगा। यानी अगर एक्स की और वाई की वैल्यू पुट करें तो इक्वल्स टू जीरो है, तो ये पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो होगा, तभी हम कह सकते हैं सर आपका जो वैल्यू है वो सही आया है। चलो ठीक देखते हैं। तो अगर हम बोले कि यहां पे हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले सर हमें तो चाहिए पॉइंट पी डिवाइड से, तो पहले पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो हम मान लेते हैं पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है, और अभी तक शायद मैंने आपको बता रखा है एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट कितना है टू कॉमा वन, बी का कोऑर्डिनेट कितना है फाइव कॉमा माइनस एट। ये हमारा एक्स वन वाई वन, ये हमारा एक्स टू वाई टू। तो देखते हैं m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू भी 2, बाय m प्लस n यानी 2 प्लस a कितना हो गया 3, 5 और a इंटू 5, 5 4 9, 9 बटे में 3 दैट इज कट के कितना आ गया 3। यानी सर p में जो x का कंपोनेंट है वो तो 3 है। अब y पे आते हैं, तो सर y के लिए हमें पता है y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। देख लो m के वैल्यू 1, y2 की वैल्यू माइनस एट प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1 बाई 2 प्लस 1 दैट इज व्हाट 3। माइनस एट प्लस 2 बाई 3 दैट इज गोइंग टू बी माइनस 6 बाई 3, कट के कितना मिल गया माइनस 2। तो यानी हमें y का कंपोनेंट कितना मिल गया 2। अब क्या रहा है एस पी लाइज ऑन द दिस लाइन, पी कहां लाई कर रहा है एज पी लाइज ऑन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो आप कह सकते हो सर ये हमारे इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा x और y की वैल्यू, ऐसा कुछ होने वाला है। तो ठीक है हम पुट कर देते हैं, देयर फोर पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू माइनस 2, और ऐसा करने पे हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो 2 इंटू 3 माइनस माइनस 2 है माइनस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो देख लो 3 दो ना 6 माइनस 2 माइनस कितना हो गया प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0 ये 8 उस साइड गया तो कितना हो गया k की वैल्यू माइनस 8। सो द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट माइनस 8। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आप अपने बुक को उठाइएगा, जितने सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन है आप उतने बताएं बनाए, और उसके बाद फिर इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है इसमें और भी है कि जब सेंट्रोइड दिया रहे आपसे रेशियो नहीं दिया हो रेशियो निकालने बोले, वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। तो आज का इतना काफी है, थैंक यू।